ए प्लस प्रोफेशनल कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स। वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका ट्रेनर मोहम्मद अशरफ और आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो गूगल ड्राइव के बारे में है, तो आइए हम देख लेते हैं गूगल ड्राइव क्या होता है और कैसे हम इसके ऊपर डेटा सिंक करते हैं, स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। तो आपके पास जो ईमेल आईडी है और उसी ईमेल आईडी अकाउंट के थ्रू आपके पास एक गूगल ड्राइव स्पेस आपको मिल जाता है जो कि 15 GB का होता है। हर ईमेल आईडी पे 15 GB का आपको स्पेस मिल जाएगा और उस पर आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं और वहाँ पे अपन शेयर भी डेटा आपका शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं। वाई डू वी नीड क्लाउड स्टोरेज, हमें क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत क्यों है? अगर आपके पास एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और उसके अंदर आपका डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आपका जो है पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा आपका और फिर वो रिकवर भी नहीं हो सकता। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अपना डेटा क्लाउड पर सेव करते हैं, सिंक करते हैं। तो जैसे कि आपके पास कोई फोल्डर है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और उस पर आप अपना डेटा सेव रखते हैं, डेटा सेव करते हैं, तो उस फोल्डर को आप गूगल ड्राइव के साथ सिंक कर दीजिए। तो जैसे ही उस फोल्डर के अंदर आप कुछ भी काम करेंगे या कोई एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, उसमें आप कुछ भी एंट्री करेंगे, जैसे ही आप फाइल सेव करेंगे तो एक कॉपी उसकी क्लाउड पे भेज देगा, गूगल ड्राइव अपने सर्वर पे इसको सेव कर लेगा। एक्सेस योर डेटा एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। आपका डेटा जो है आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और सेफ प्लेस फॉर योर फाइल्स, आपकी फ़ाइल के लिए सबसे सेफ प्लेस जो है वो गूगल ड्राइव है, क्योंकि इनके पास जो है बड़े बड़े सर्वर्स हैं, क्लस्टर्स हैं, बहुत डेटा सेंटर जो इनका है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने उस पर सिक्योर उसको किया हुआ है और इसमें जो है ना डेटा की मिररिंग होती है, डेटा जो है 2-3 जगह पर स्टोर होता है कि एक जगह से अगर कुछ फेलियर हो जाए तो दूसरी जगह से आपका डेटा रिकवर हो सके आपका, और हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है तो आपका डेटा जो है बहुत सेफ़ होता है। यहाँ पर 15 GB का स्पेस मिलता है एक ईमेल आईडी पे आपको और अपनी फाइलों को आप शेयर भी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे फाइल रखने का हमको ये फ़ायदा ये है कि अगर हमने एक फ़ोल्डर हमारे सिस्टम का हमने उसे सिंक किया है गूगल ड्राइव के साथ में, तो सिंक करने से हमको ये फ़ायदा होगा कि अगर जैसे हमारी हार्ड डिस्क जो है वो डैमेज हो जाती है, हार्ड डिस्क हमारी फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो भी गूगल ड्राइव से हमारा पूरा डेटा जो है वो निकल सकता, जिस फोल्डर को हमने सेव किया होगा गूगल, सिंक किया होगा गूगल ड्राइव के साथ में, वो फोल्डर पूरा का पूरा हमको जो है ड्राइव पे सेव होगा, हमको मिल जाएगा। गूगल ड्राइव मैनेज फाइल्स वर्जन। अब फाइल के वर्जन्स क्या होते हैं वो हमें समझना होगा कि आपने एक फ़ाइल बनाई एक्सेल की और उसमें आपने कुछ डेटा लिखा, कुछ आपने एंट्री की और फिर उस फाइल को आपने सेव कर दिया, तो ये फ़ाइल का सबसे पहला वर्ज़न है। नेक्स्ट डे आप आए और आपने कुछ मिटाया, फिर दोबारा कुछ उसमें टाइप किया और फिर आपने फ़ाइल को सेव कर दिया, तो ये फ़ाइल का सेकेंड वर्ज़न है। थर्ड डे आप आए, आपने कुछ और उसमें ऐड कर दिया, तो ये फाइल का थर्ड वर्ज़न है। और फोर्थ डे जो है आप आए और आपने उसमें से उसके अंदर का पूरा कंटेंट डिलीट कर दिया और फाइल को ब्लैंक फाइल को आपने सेव कर दिया, ब्लैंक फाइल को आपने सेव कर दिया, तो ये आपका फिफ्थ वर्ज़न है। लेकिन अब आपने ब्लैंक फाइल को सेव कर दिया और ब्लैंक फाइल को सेव करने के बाद अगर आप चाहो कि जो फर्स्ट जो मेरी फ़ाइल थी, जो फर्स्ट वर्ज़न था मेरी फ़ाइल का, वो वर्ज़न मुझे मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में, कि हम उसको उस वर्ज़न को हम जो है देख सकें, निकाल सकें। तो ये फ़ीचर आपको जो है गूगल ड्राइव देता है कि आप फाइल्स के वर्ज़न जो है उनको सेव कर सकते हैं। आपके पास एक फ़ाइल है और आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस फाइल को जो है अपने पास सिस्टम पे सेव करते हैं और आपने उस फाइल के अंदर कुछ डेटा जो है एंटर किया, आपने उसको सेव कर दिया, आपने बहुत दिनों तक उस फाइल में काम किया, उस डेटा को आप सेव करते रहे, लेकिन
कोई और आपके सिस्टम पे आके बैठा और उसने पूरा अंदर का जो डेटा था, कंटेंट था फाइल के अंदर का, पूरा डिलीट कर दिया, उसको सेव ब्लैंक फाइल सेव कर दी, तो अब ये जो है आपकी फ़ाइल रिकवर नहीं हो सकती, डेटा आपका रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन गूगल ड्राइव में ये फ़ीचर आपको दिया हुआ है कि आप इसको रिकवर कर सकते हैं फाइल वर्ज़न के थ्रू। तो गूगल ड्राइव जो है ये क्या करता है कि आपकी फ़ाइल्स के वर्ज़न बनाता है। जैसे आपने फर्स्ट डे जो फाइल में आपने काम किया था उसका अलग वर्ज़न सेव कर लेगा, उसके बाद आप सेकंड टाइम जब फाइल ओपन करेंगे उसमें कुछ काम करेंगे तो वो फाइल अलग सेव कर लेगा, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट ऐसे करते करते 100 टाइम्स जो है आपकी फ़ाइल के वर्जन को सेव करेगा और 30 डेज़ तक आपके फ़ाइल के वर्ज़न को सेव करेगा ये गूगल ड्राइव। तो अगर हमें चाहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट डे जो हमारी फ़ाइल थी उसमें जो कंटेंट था फर्स्ट डे वो वाली फ़ाइल हमको चाहिए, तो 100 टाइम्स तक जो है हम उसको जो है ना वर्जन को बैक वर्जन पे जाके हम उस फाइल को रिकवर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ़ीचर्स आपको जो है ना गूगल ड्राइव पे मिल जाता है, बहुत बढ़िया फ़ीचर है ये। तो आइए हम देखते हैं इसकी लैब। सबसे पहले हम जो है गूगल ड्राइव को डाउनलोड करते हैं, कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, कन्फिगर करेंगे और हमारे फोल्डर को सिंक करेंगे, ये सारा हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल इंटरनेट पे चलते हैं और वहाँ पर हम जो है गूगल ड्राइव को हम इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम पे अपने। देखिए मैं इंटरनेट पे आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने गूगल ड्राइव लिख के मैंने सर्च किया। ये देखिए अब ये जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हम गूगल ड्राइव को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड गूगल ड्राइव आपको लिखा दिख जाएगा यहाँ पर, ये देखिए उस पर क्लिक कर रही है आप। ये देखिए अब ये वेबसाइट खुल गई है और गूगल ड्राइव को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल वर्जन है और ये आपका बिजनेस वर्जन है, अभी हम पर्सनल वर्जन देखेंगे। डाउनलोड हमने किया, आई एग्री एंड डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड शुरू हो गया हमारा। ये देखिए जैसे हमारा डाउनलोड कंप्लीट होगा हम उसको क्लिक करेंगे, उस पर फर्दर जो है अब ये डाउनलोड फिर शुरू होगा आपका इंटरनेट से। अब ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, हमने इसको क्लोज किया और अब हम एक काम करते हैं, एक फोल्डर हमारी ड्राइव में क्रिएट कर लेते हैं। डी ड्राइव में ले लीजिए या फिर ई ड्राइव में ले लीजिए, एक फोल्डर हम बना लेते हैं। ये हमारा गूगल ड्राइव का फोल्डर है टेस्ट करके, गूगल ड्राइव टेस्ट फोल्डर हमारा है, ये हमने फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हम एक एक्सेल की फाइल बना लेते हैं। टेस्ट फाइल हमने बना ली, अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो है कुछ डे वन में हमने कुछ काम किया, उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए हमने सेव कर दिया इसको। नेक्स्ट जो है ये कॉपी एक वर्ज़न, ये एक वर्ज़न है, ये इसका वर्ज़न जो है गूगल ड्राइव आपको सेव करके रख लेगा। ये देखिए यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, तो ये फ़ाइल का पहला वर्ज़न है आपका, वर्ज़न 1।
अब आपने नेक्स्ट फाइल में आपने कुछ डे टू में अगले दिन आके आपने कुछ काम किया और फाइल को सेव कर दिया, ये देखें। तो ये फाइल का सेकंड वर्जन है आपका। वर्जन 2 तो जितनी बार भी आप फाइल को एडिट करते जाएंगे उसके अलग आपके पास सेव करता जाएगा, ये देखिए। D1 एच में आपको आ रहा है और नेक्स्ट जो हमारे पास जो है ये देखिए, जो हमारा वर्जन 2 है उसमें जो हमने 2 दिन तक जो काम किया था वो उसमें आ गया है, दोनों वर्ज़न हमारे पास आ गए हैं। तो ये वर्ज़न को समझाने के लिए मैंने आपको करके बताया था कि गूगल ड्राइव इस तरीके से वर्जन आपकी फाइल्स के वर्ज़न जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको किस तरह सेव करता है। तो ये हमने एक टेस्ट का फोल्डर हमने सिंपल बनाया है, उसके अंदर हमने कुछ टाइप किया हुआ है, फाइल को सेव कर दिया। अब ये फोल्डर हमको जो है ना गूगल ड्राइव पर देना है ताकि जो है गूगल ड्राइव इस फोल्डर को हमारे इस फाइल को जो है सिंक करता रहे, ताकि हमारी हार्ड डिस्क जो है अगर वो डैमेज भी हो जाती है तो हमारा डेटा सर्वर क्लाउड पे गूगल ड्राइव पे हमको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्ट। अभी आपसे साइन इन करने के लिए कहेगा, आपको ईमेल आईडी और आपको आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ देना होगा जीमेल का। ये देखिए मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ दे दिया है, अब ये साइन इन कर रहा है। ये देखिए गूगल ड्राइव हमारा स्टार्ट हो गया है। अब इसमें चूज़ फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर टू कंटिन्यूसली बैकअप टू गूगल ड्राइव, जिस फोल्डर का हमें कंटिन्यूस बैकअप चाहिए गूगल ड्राइव पे वो फोल्डर आपको हमको यहाँ बताना होगा। गॉट इट। ये सारे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ये सब हम हटा देते हैं, हमें ये कुछ भी हमको सिंक नहीं करना है, सिर्फ हमको सिंगल फोल्डर हमें चाहिए। चूज़ फोल्डर में आप आएंगे और आप यहाँ पर हमारी ई ड्राइव में आएंगे, यहाँ पर गूगल टेस्ट ड्राइव का हमारा फोल्डर है, बस ये फोल्डर हमको चाहिए, ये फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए हमने सिर्फ ये फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है और उसको हमने नेक्स्ट कर दिया। ये देखिए कुछ मेरे पर्सनल डेटा भी हैं वो भी जो है यहाँ पर सिंक करने वाला था, ये इसको मैंने मना कर दिया है, स्टार्ट कर दिया मैंने। ये देखिए बैकअप एंड सिंक सेटिंग। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर टास्क बार में राइट साइड में, देखिए ये सिंक इंजन जो है स्टार्ट हो गया गूगल ड्राइव का। ये देखिए अभी हमारे फोल्डर को सिंक कर रहा है। ये देखिए अब हमारा जो हमारा सिंक इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया है और अब जो है हम चेक कर लेते हैं हमारा फोल्डर जो है जो हमारा ई ड्राइव में था। ये देखिए गूगल टेस्ट ड्राइव, इस पे आपको एक चेक लगा दिख रहा होगा, आपको मैं थोड़ा आइकन आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका ये फोल्डर गूगल ड्राइव पे सिंक हो गया है, इसलिए आपका ये यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। ये हमारी फ़ाइल जो है ये भी हमारी फ़ाइल सिंक हो गई, इस फोल्डर में जो भी कंटेंट होगा वो सब सिंक होगा गूगल ड्राइव के ऊपर। ये देखिए अभी हमने ये कंटेंट इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम इसको जो है चेक कर लेते हैं, हमारी फ़ाइल में कुछ हम एडिट करते हैं। ये हमारी फ़ाइल है, अब हमने इसमें कुछ और एडिट किया। डे थ्री हमने ऐड कर दिया, सेव कर दिया फ़ाइल को हमने। अब ये देखिए यहाँ पे सिंक होना दोबारा शुरू हो गया, ये देखिए सिंक हो रहा है, सिंक कंप्लीट हो गया इसका।
तो अब जो हमने जो सेव की थी हमारी फ़ाइल, और उसमें हमने डे 3 भी लिखा था, तो ये पूरा हमारा गूगल ड्राइव पर सिंक हो गया है। ये देखिए, तो आइए हम चेक कर लेते हैं गूगल ड्राइव पे चल के। अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ पर आप इसमें स्टार्ट में यहाँ पर आएंगे, आइकन यहाँ पे गूगल ड्राइव का आपको आइकन शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये गूगल ड्राइव आ गया आपका। अब ये देखिए, इसमें एक ऑप्शन आता है आपको कंप्यूटर्स करके, ये देखिए माय लैपटॉप आ रहा है इसके अंदर, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो ये देखिए, ये आपको गूगल ड्राइव टेस्ट फोल्डर जो हमने हमारे सिस्टम पे बनाया हुआ था वो यहाँ पर सिंक होके यहाँ आ गया है आपका। और उसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, हमारी एक्सेल की जो फाइल हमने बनाई थी वो फाइल भी यहाँ पर आ गई है, ये देखिए। ठीक है ना, अब हम एक काम करते हैं, इसमें से कुछ डिलीट करते हैं। डे 3 हमने डिलीट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, बंद कर दिया हमने। तो हम देखते हैं हमारे गूगल ड्राइव पे क्या यहाँ पर भी जो है हमारे पास डे 3 जो है वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, डे 3 यहाँ भी डिलीट हो गया आपका। तो जो भी हम डिलीट करेंगे वो यहाँ भी डिलीट हो जाएगा, और जो हम ऐड करेंगे वो यहाँ भी ऐड हो जाएगा। अब जो है ना, हमें जो हमारा पुराना वर्ज़न था, यानी जो डे 2 में कल तक हमने जो काम किया था वो हमको चाहिए। तो उसमें राइट क्लिक करेंगे हम फाइल के ऊपर, यहाँ पर एक मैनेज वर्ज़न करके ऑप्शन आता है, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो ये देखिए, वर्ज़न 1, वर्ज़न 2, ये करंट वर्ज़न है आपका। तो वर्ज़न 2 हम जो है उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये देखिए, वर्ज़न 2 हमने डाउनलोड किया। तो इसमें आपको डे 3 मिल जाना चाहिए, ये देखिए आपको डे 3 मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 100 टाइम्स आपके वर्जन्स मैनेज, एक ही फाइल के 100 टाइम्स वर्जन मैनेज करेगा, एक महीने तक करेगा। तो ये फ़ीचर्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोल्डर जो है मुझे शेयर करना है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये जो आपको शेयरेबल लिंक मिल रहा है ना यहाँ पर, ये लिंक आप कॉपी कर लीजिए। ये देखिए, ये आपका शेयरेबल लिंक है, कॉपी लिंक कर लिया अपन ने यहाँ से, ये लिंक मेरा कॉपी हो गया। तो अब जो है मैं अपने इंटरनेट पे जाकर अगर जो है इस लिंक को पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, ये फाइल मुझे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अपन इस ब्राउज़र में नहीं करते हैं, दूसरे ब्राउज़र में देख लेते हैं, इसमें मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ इसलिए। यहाँ देख लेते हैं हम इसको पेस्ट करके। ये देखिए, ये जो हमारी फ़ाइल थी ये डाउनलोड करने के लिए हमको मिल गई है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये डाउनलोड शुरू हो गई है, हमने इसको सेव कर लिया, ओपन कर लिया। ये देखिए, ये हमको फ़ाइल मिल गई जो हमारी फ़ाइल हमने वहाँ से शेयर की थी हमने। तो ये शेयरेबल लिंक किसी को भी आप मेल कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और तो ये शेयरेबल लिंक जो होगा ये आपका जिसको भी आप देंगे उसके पास ये फ़ाइल आप उसको मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।